रामनगर का स्कोर 3, वहीं डुमरिया का स्कोर 2। चलो इनकी मैच अपना अपना दम पर दिखाती हुई ग्राउंड के ऊपर जो भी टीम विजेता बनेगी वो सीधे फाइनल फाइनल स्टेडियम से भेजेगी। इसी बीच एक सौदारा राकेश के द्वारा अमर गया डुमरिया का पाले में बहुत ही शानदार रेडर रहिए भी अपन रामनगर की तरफ से डुमरिया का पाली है दर्ज का प्रयास लेकिन सफलता नहीं मिली। खाली पॉइंट वापस यहाँ पे जाने का फैसला और दोनों टीमें बराबरी पे जिसमें समय की बात करूं तो अभी भी 6 मिनट के खेल से हो चुका है। 6 मिनट में दोनों टीमें बराबरी लेकिन टाइटल करने का प्रयास कप्तान को यहाँ पे लेकिन कप्तान एक डिफेंडर होने के बावजूद भी लेकिन पॉइंट छुड़ा ले रहा है यहाँ पे रामनगर की तरफ से जिसमें काफी क्षमताएं भरी हुई इस मुकाबले में एक बेस्ट डिफेंडर जिसमें कप्तान की काफी जिम्मेदारियां होती है कहीं ना कहीं आज और टोल्टस के साथ यहाँ पे 5 का जवाब दिलाया है। टोल्टस के साथ फिर से एक बार बराबरी का मुकाबला दोनों टीमें बराबरी 4-4 जिसमें 6.5 मिनट के ठीक करीब करीब का मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है। 20 मिनट का मुकाबला खेले जा रहे हैं जिसमें एक फिर से नए रेडर को लगातार मौका दे रहा है यहाँ पे खान डुमरिया कि आप जाए बीच में हम जो आनंद है आनंद की वापसी करा लेंगे लेकिन बाद में उनको हम यूज करेंगे। काफी एक रनिंग के साथ इस फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले में रनिंग काफी सारी बनाई हुई है लेकिन इसमें अमन लगातार अपने टीम के लिए योगदान देते हुए ओहो यहाँ पे जाना चाहते थे बीच से निकलना चाहते थे लेकिन संधान चैन के साथ टाइकल किए गए कहीं ना कहीं चैन मजबूत था और चैन के साथ टाइकल 4 का डिफेंस है जिसमें खान डुमरिया 4 अपने डिफेंडर के साथ एक शानदार वापसी किया था आलम का मौका बना था वहां पे लेकिन कप्तान जानते हैं कप्तान बेखूबी जानते हैं लगातार 2 रन पे दोनों सफलता मिली है कप्तान को यहाँ पे राकेश जी को चलकर खेलने का प्रयास लेकिन पीछे कार से निकल कर टाइकल एंगल होल्ड करने का प्रयास लेकिन असफलता है और 1 पॉइंट के साथ इजाफा होता हुआ डुमरिया 6 पॉइंट और रामनगर 4 पॉइंट पर अंकुश लगा हुआ अभी भी 2 पॉइंटों से लीड करते हुए खान डुमरिया रनिंग हैंड टच पॉइंट 20 कवर से लेकिन कोई मौका नहीं प्रिंस को आउट करने का प्रयास था थोड़ी सी लगातार प्रयास किया जा रहा है रेडर के द्वारा लेकिन कोई मौका नहीं थोड़ी सी चतुराई खेल दिखाने का प्रयास सुपर टैकलान होंगे राकेश भली बात जानते हैं अपना कीमत यहाँ पे मुझे अभी भी मैदान में बने रहना है क्योंकि रनिंग जो बनाई थी कहीं ना कहीं रनिंग के तहत इस मुकाबले में खेलने होंगे चाहेंगे आप डिफेंडर टाइगल करना 2 पॉइंट्स कहीं ना कहीं चुराने का प्रयास और मनीष थोड़ा सा अपील जरूर किया गया था कप्तान के द्वारा दोनों कप्तान आपस में ताल में थोड़ी सी बनाई और बीच कवर में एंगल होल्ड करने का प्रयास क्षमा चाहेंगे यहाँ पे बीच में खाली पॉइंट से साथ वापस और पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो पॉइंट्स खान डुमरिया 6 पॉइंट और 4 पर अंकुश लगा है और यहाँ पे खड़खड़िया टाइगर यानी कोई मेहनत नहीं जबरदस्त चैन के साथ टाइकल हुए फिर से बात सुपर टाइकल 2 डिफेंडर आलम की फरार पे आते रामनगर की टीम है पहली बार इस सेमीफाइनल मुकाबले में लेकिन बीच फरार में आकर बैक लाइन के ठीक बाहर किनारा पे टाइकल करने का प्रयास लेकिन असफल और साजन ठाकुर जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है अगर मनीष यहां से रेड लेके जाते हैं तो प्रत्येक रेड पे भगवान टीम के कप्तान साजन ठाकुर जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार लेकिन एक जबरदस्त सामूहिक टैकल के साथ यहाँ पे टैकल किए गए इसी के साथ एक पॉइंट और काफी बढ़िया को मिलता हुआ
लिए ठाकुर बढ़िया के सबसे बेहतरीन प्लेयर शुभम और राकेश, देखते हैं राकेश इस रेट में क्या करते हैं अपनी टीम के लिए और टच करने का प्रयास। खाली पॉइंट वापस अपने कोर्ट पे जाते हैं राकेश, सॉरी यहाँ पे टच पॉइंट का परफेक्ट होता हुआ पर स्कोर 13 और रामनगर 4। अभी तक ठाकुर दुबैया के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अभी भी पहले हाफ पे 9 मिनट का खेल से बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ शुरुआती छोड़ों का थोड़ा सा अभी मुकाबला साथ निश्चित तौर पर खिलाड़िया की टीम अभी रामनगर पर भारी पड़ती हुई बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ जो भी टीम जीते इसी के फाइनल में बढ़िया डिफेंस के साथ कल ही के दिन बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच। अभी भी रामनगर की टीम काफी पीछे रही है इस मैच में, ये बच्चा पॉइंट हुए हैं नागपुर मरिया के 13 राकेश आए हैं, देखते हैं राकेश इस रेड में अपनी टीम के लिए कुछ बुला पाते हैं या नहीं। अभी भी चार डिफेंडर हैं इसमें अमर हेरेड भी
पहले कहीं वापसी करनी होगी तो इस पानी को भसानी होगी। भली बात जानते हैं अमन यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेनर है और यहाँ से वापसी करनी होगी इस मुकाबले में तो ऑल आउट करना होगा खान फुटमरिया को। लेकिन समय का अनुसार पे 7-6-5 खाली पानी से वापस यहाँ पे अभी भी बड़ा सवाल है। आनंद है रेडर इस बार, आनंद एक शानदार रेडर है खान फुटमरिया का और टोल्टस का यहाँ पे प्रयास, लेकिन अभी भी एक चतुराई भरी खेल वहां पे डिफेंडर के द्वारा पैर समाते नहीं यहाँ पे कर्नर के द्वारा टैकल किया जा रहा था एंगल होल्ड से लेकिन समझ भी नहीं पाई और इसी के साथ झूला लेकिन यहाँ मैदान को बीचों बीच। और पॉइंट्स की बात करें तो अभी भी 9 पॉइंटों का फासला इस मुकाबले में, 9 पॉइंटों का फासला, वापसी करनी होंगे। क्या बनस मिलेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा उछाल था संभावनाएं बन सकती है बनस की, लेकिन रेफरी भी अभी भी इंतजार, कोई मौका नहीं बनस का यहाँ पे। अभी भी 5 का डिफेंस रामनगर बना सकती थी यहाँ पे जिस स्थिति में थी कान टूटे मरिया ऑल आउट का मौका था लेकिन मौका यहाँ पे गवाती हुई दूसरी बार मौका गवाई यहाँ पे रामनगर की टीम ने। अभी भी 9 पॉइंटों का कहीं नहीं फासला इस टाइम और समय से रुपए का पुरस्कार 2 एंड 2। इसी साथ मैं आदर सम्मान पूर्वक स्वागत करूंगा हमारे साथी बोले भाई नगेंद्र जी। कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर कर दिए हैं कि बढ़िया खतराई रामनगर को रामनगर की टीम पिछड़ते हुए इस मुकाबले में इतने ऐसे प्लेयर हमकी उम्मीद नहीं थी हमारे दर्शक रामनगर के खिलाड़ियों से। कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला कर दिया है यहाँ पर डुमरिया का खिलाड़ी, स्कोर आप सबको बता दे डुमरिया 17 वही रामनगर का स्कोर अभी भी 9 अंकों पर ऊपर हुआ है। रामनगर के खिलाड़ियों को कुछ करना होगा इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। डुमरिया का पल में भेद करते हुए अमन 5 नंबर की गति में खाली में बिना किसान के वापिस लेने एक बसी से राकेश अपनी टीम को ही रेडी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए रामनगर के पाले में रेडिंग और डिफेंस दोनों क्षेत्र में ठीक ही साबित हुई है यहाँ पर रामनगर की टीम। एक अंक जीते अमन अपनी टीम के लिए स्कोर बता हुआ रामनगर 10 वही डुमरिया 18 राकेश आया रेलवे राकेश जो कि विगत कई वर्षों से कबड्डी खेल रहे हैं और शानदार कबड्डी के लिए जाने जाते हैं राकेश टीम के स्टार खिलाड़ी राकेश फिलहाल डुमरिया की तरफ से अपना जौहर दिखाते हुए यहाँ पे एक बार फिर से अमन जो है डुमरिया का पाल के बात प्रचार करें यहाँ पर डबल पास हो जाए शानदार टक्कर पा जाएगा डुमरिया का खिलाड़ियों के द्वारा डुमरिया की टीम शानदार बिना किसी के वापिस लेंगे पहले आपने समय बता दीजिएगा पहले आपने 3.5 से पहले आपने लगभग 3 मिला का समय थे और दूसरे यहाँ पर सरकार टाइप है डिवरिया के डिफेंस में रामनगर के किसी भी रेडर को चल नहीं दे रहे हैं। थर्ड फ्रेम टाइप है थर्ड फ्रेम टाइप है चलिए थर्ड फ्रेम टाइप है चलिए इस बार आप राउंड लेना ही पड़ेगा और यहाँ पे शानदार हैंड टैप चीते की तरह अच्छा राम लगा था
एक खिलाड़ी के टच किए राकेश कुमार सीनियर खिलाड़ी होते हुए भी अपने अपना स्किल्स दिखाते हुए राकेश एक बार फिर यहाँ पर ये देखिए फिफ्टी लगातार छूने का प्रयास लेकिन जीतना है ये था रामपुर कैसे पटवा एक चार एक दूसरी तरफ दुमरिया कैसे एक चीज एक चार और एक चीज बहुत ज्यादा मतलब चढ़ते हुए यहाँ पे रामनगर की टीम हालांकि अभी भी समय पर आप फिर वापसी करने के लिए नौ आठ चार छह पांच इस बार भी राकेश ने वापसी करके राकेश एक बार फिर से अमर रेल पे डुमरिया को पा लेंगे बोनस आगे डुमरिया को पा लेंगे अमर कुमार देखना होगा आपकी टीम के अंकों में कुछ प्रबंधन कर पाते हैं अथवा नहीं हालांकि बहुत ही शानदार आठ सात छ पांच बिना किसी ग्राफिक कार्ड के शुभम कुमार रामनगर के पहले पांच को डिफेंस में पांच को डिफेंस में अंक लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है इस टीम से तो कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं शुभम कुमार रामनगर के पहले इस बार भी आगे से वापिस लौटे एक बार फिर से यहाँ पर रामनगर की तरफ से डुमरिया के पहले में बहुत ही शांत मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर आए हुए सभी चलचित्र प्रेमियों का मैं अपने और इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ नौ आठ सात छह बिना किसी को वापिस लेने एक दो अढ़ाई रेट में दो अढ़ाई रेट में अपना जवाब दिखाने के लिए आ चुका है डुमरिया के शानदार रेटर राकेश देखना होगा इस दो अढ़ाई रेट में और साथ ही की पारी आपकी लगभग आपकी प्रेम इसके बाद हाफ हाफ यहाँ पर समाप्त हो चुका है पाला समाप्त हो चुका है और पहला की समाप्ति के बाद स्कोर बता दे रामनगर 12 और डुमरिया 31 अभी भी रामनगर की टीम पीछा चुकी है मुकाबले में अमर के द्वारा डुमरिया की बार बार अंक लेने की कोशिश लेकिन सफलता नहीं मिली को अमर तो बुरे जोश के साथ यहाँ पर देश के लिए आए अमर लेकिन सफलता नहीं मिली बिना किसी को वापस लौटे और यहाँ पे तीन नंबर की जैसे सुमन गए हैं रामनगर के पाले में सुबह सेक्शन का अपील और एक हम आज के अपने और इस अपनी टीम के लिए सुबह पूरा इस प्रकार से स्कोर बढ़ता हुआ त्रिवालिया का स्कोर पहुंच चुका है 22 रामनगर 12 एक बार फिर से शानदार हाथ पैर कपड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली फिर से अमर को सुबह एक बार फिर पूरा रामनगर के पाले में शानदार और यहाँ पर देखिए शानदार डबल पाई है अमर के द्वारा यहाँ पर ड्रॉ नहीं है रामनगर की तरफ से देखना होगा इस ड्रॉ के लिए आपका जीत करने का प्रयास और ये देखिए रामनगर की तरफ से ऐसे ही बच्चे ऐसे प्रदर्शन करना पड़ेगा यहाँ पर रामनगर खिलाड़ी को नरेंद्र भाई यहाँ से 7 पॉइंटों का फैसला है यहाँ से चाहेगी तो रामनगर टीम वापसी कर सकती है जिस तरह से लीग मुकाबले में किया था बिल्कुल बिल्कुल
और 7 पॉइंट है जो एक समय पर यहाँ पे इतना
के साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि रोमांचक मैच के लिए काफी से दर्शक के इंतजार करते हुए हालांकि
करने हुए, क्योंकि अभी भी शांत मूड से मुकाबला चलता था। दर्शक एक बार और रोमांच भरेगी तो मैं जिला पंचायत सदस्य प्रकाश कन्या कन्या जी
जो कमेंट्री बॉक्स से बैठकर इस मैच को पहुंचाते हुए एक शानदार बैकअप के साथ टैकल किए गए। इस टैकल के साथ वन पॉइंट गेट का पौधा डुमरिया। यहां से अनदेखा रेड जो हो रहा है कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दे रही है। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल पे एक बार फिर से ऑल आउट की पड़ाव पर जाती हुई दोनों टीमें एक बार ऑल आउट का यहाँ पे खमियाजा भुगत चुकी है, जिसमें सुपर टैकल पे कहीं ना कहीं चतुराई भरी थे यहाँ पे खेलते हुए कप्तान रमेश। एक रनिंग बनाकर इस मुकाबले में खेलते हुए समय की लगातार बढ़ोतरी। 8-7-6-5-4 खाली अंक से वापस यहाँ पे डुमरिया 34-27 एक बार फिर से अंक उस लगा है रामनगर टीम का। समय की बात करो कभी भी 2.5 मिनट के खेल से बचा हुआ 2.5 मिनट से यहाँ से क्या टू एंड हाई पे रनिंग बनाई यहाँ से खेला क्योंकि सुपर टैकल ऑन और जीते या ना जीते लेकिन हम